Former Deputy Chief Minister of Bihar and senior leader of the BJP is addressing the press. George Fernandez, Digvijay Singh, Pravuna Singh, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया जाए, वो तैयार नहीं थे। और मैंने बिना पार्टी से पूछे मैंने उनके नाम का ऐलान किया कि 2005 में नवंबर के चुनाव का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा और पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला होता तो हम 150-200 पार कर जाते। अगर आपके नाम पर वोट मिला होता तो आपको कल 43 सीट नहीं मिली होती। जब लगा कि हालात स्थिति ठीक नहीं है तो नरेंद्र मोदी ने एक एक दिन में तीन चार रैलियां की, जी जान लगा दिया। तो 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम पर है, 2020 का जनादेश नरेंद्र मोदी का जनादेश है। और 2020 में जब नरेंद्र मोदी आए तो ये तो समाज के सभी तबकों का वोट मिल रहा था, कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30-35% है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज उनको अपना नेता मानता है। अति पिछड़ा का एक एक वोट गिनकर नरेंद्र मोदी की झोली में पड़ गया, तब आप मुख्यमंत्री बने और तब बिहार के अंदर हमारी सरकार बनी। तो नीतीश जी, यह केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात नहीं है, ये बिहार के जो अति पिछड़ा समाज है, जो 30% अति पिछड़ा है, उसको आपने अपमानित किया है। और ये वही राजद के लोग हैं जिनके 15 साल में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित हुआ तो अति पिछड़ा समाज के लोग हुए, जिनके जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था, मार के भगा दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था। और जिसको लालू जी ने कभी जिन कहा था, वो जिन जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। और आज वो जिन आपके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। इसलिए ये गलतफहमी ना रहे, 2015 और 2020 में बहुत अंतर है। उस समय अति पिछड़ा आपके साथ था, आज नरेंद्र मोदी के साथ है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा है। और मित्रों, पिछली बार जब आपने गठबंधन तोड़ा आरजेडी से तो आपने कहा मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करूंगा, और कहा कि तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दे पाए इसे मैं गठबंधन तोड़ रहा हूं। उस समय तो केवल सीबीआई ने छापा मारा था, अब तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया। तो आपके मंत्रिमंडल में जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं वो चार्जशीटेड हैं, भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हैं, वो बेल पर हैं। कल कोर्ट अगर चाहे तो उनकी बेल को खारिज कर सकता है, उनको दोबारा जेल भेज सकता है। तो तेजस्वी यादव ये भ्रष्टाचार से जुड़े आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में ये चार्जशीटेड हैं, ये बेल पर हैं, उनका ट्रायल शुरू हो गया है और इतने पुख्ता सबूत हैं कि इस ट्रायल का परिणाम उनके जेल जाने में भी हो सकता है, उनकी सजा के रूप में भी हो सकता है। तो आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था पलटूराम, बीजेपी ने नहीं कहा था। इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं, राजद के नेताओं को भी, और सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना मोह है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बना दें?
तो पता नहीं मुझे, शायद ये भी कोई कारण हो सकता है। पर मित्रों, नई सरकार बन गई है, आज शपथ ग्रहण होगा और मैं केवल राष्ट्रीय जनता दल को स्मरण कराना चाहूंगा,